भोपाल में महाराणा प्रताप की जयंती कार्यक्रम के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। मूर्ति पर माल्यार्पण के दौरान क्रेन गिर गई। हादसे में वार्ड 66 से कांग्रेस पार्षद जीतेन सिंह राजपूत और उनके मामा घायल हो गए। पार्षद का पैर फ्रैक्चर हो गया है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रविवार को क्षत्रिय समाज ने महाराणा प्रताप जयंती का कार्यक्रम रखा। इसके लिए भोपाल के एमपी नगर चौराहे पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण के लिए लोग जुटे। नेता और समाज के लोग नगर निगम की हाइड्रोलिक लिफ्ट के जरिए महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे थे। पार्षद जीतेन सिंह राजपूत अपने मामा ऋषि सिंह राजपूत के साथ क्रेन में सवार होकर 20 फीट ऊपर प्रतिमा तक पहुंचे। इसी दौरान हाइड्रोलिक लिफ्ट की वेल्डिंग टूट गई और वो नीचे गिर गई। इस पूरे हादसे का जिम्मेदार भोपाल नगर निगम को ठहराया जा रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मौके पर मौजूद क्रेन नगर निगम के द्वारा लाई गई थी। क्रेन का मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से यह हादसा हुआ। क्रेन गिरी तो नेताजी धड़ाम से जमीन पर आ गिरे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।